हाँ? कुछ नहीं होगा, चुप हो जाओ। सही होगा, मेहनत सब छीन लिए हमारा, कि जो हैकर भैया वो छीन लिए हमारा सारा मेहनत। और अचानक से क्या हुआ कि इंस्टाग्राम का आईडी अपने आप लॉग आउट हो गया, तो फिर से अभी तैयार प्रयास कर रहे डाउनलोड करके, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है, ये हैक हुआ है क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर फिर से दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, भाई साहब हम आए हुए खेतों के इलाके में, जंगलों के इलाका में आज छज्जा लूटने के लिए। मम्मी जी छज्जा लूटी है पापा मिल करके, इसका जलावन बनेगा इधर। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सुहानी। गुड मॉर्निंग पापा। आइए ना इधर आ जाइए, पापा लकड़ी को रखने में लगे हुए हैं। अभी हम लोग वीडियो शूट करने आए थे, लेकिन एक फायदा हो गया ना मम्मी, सवेरे के टाइम मम्मी से आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में सवेरे हम लोग निकल गए थे, यहाँ पे कुछ भी शूट वूट नहीं कर पाए थे, ऐसा सीन था। और एक दो रील्स घर पे शूट हुआ था तो चले आए थे यहाँ पे। मेरे पापा हैं, आशीर्वाद लेते पापा से। तुम भी छूट गए, आशीर्वाद लेते मम्मी पापा से। खुश रहो, मस्त रहो। हाँ, खुश रहो, खुश रहो। अभी बढ़िया बढ़िया वीडियो शूट किया इधर, चुन्नू मुन्नी भी आया हुआ है। इन दोनों को ना शाम में एक घंटा इधर लेके आइएगा, वीडियो भी बन जाएगा और खा भी लेगा ना मम्मी। सबसे बढ़िया घर में जो बंद रहता है ना, तो जेल की तरह होता है। हाँ, वो वीडियो शूट हो रहा है तो आवाज़ जा रहा होगा उसके अंदर। तो दोस्तों जस्ट अभी हम लोग घर पे पहुँचे हैं, और ये है छज्जा तरकुल का पेड़ का, देख सकते हो ऐसे ही तरकुल का पेड़ है वहाँ भी, तो वहीं पे गिरा था। पापा के ही जेब में चाबी था, तो पापा लेट हो गए आने में। और ये देखे चुन्नू मुन्नू साथ में आ रहा है, ये देखे एकदम इंसानों के साथ घुल मिल गया है। फिर चला जाएगा तो फिर दूसरा चुन्नू मुन्नू आएगा। वो देखे मम्मी आई है। चलिए अभी हम वीडियो एडिटिंग करना, क्योंकि 11 बजने वाला है। तो गाइस आज के खाने बना मकई का रोटी और रात का सब्जी था, तो वो मम्मी जी हम लोग को खिलाई है। क्या कर सकते हैं गाइस, वेस्ट नहीं करना है, खाना तो पड़ेगा ही। बढ़िया था इसीलिए, कोई ख़राब नहीं हुआ था। आप लोग कमेंट मत करना कि ख़राब सब्जी खाए हो तो तबीयत ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था, ताज़ा ही था सब्जी। तो हमने सोचा कि क्यों वेस्ट किया जाए, खा लेते हैं। क्या बोलते हैं पापा, मूंग बोलते हैं ना, दाल वाला। देखिए पापा मूंग को पीस रहे ताकि इसका जो है दाल बन सके चावल के साथ। वो देखिए किस तरीके से पिसाई कर रहे हैं। चलिए ना पापा आते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग के पास जुगाड़ होता है ना पापा, तो जुगाड़ होने के कारण क्या होता है कि फसल हमारे यहाँ होता ही है, तो मशीनें वगैरह होती नहीं छिलका हटाने का, तो हम लोग इसी से रगड़ के दाल को जो है तैयार कर लेते हैं। मम्मी यहाँ पे लेटी हुई है आराम से, सुहानी भी सो ही रही होगी मेरे हिसाब से, देखिए एकदम मस्त सो रही। चलिए सोने दीजिए उसको। तो गाइस स्कूटी का भी समय पूरा हो गया, जाइए लाल वाला पहन लीजिए चप्पल। स्कूटी का समय हो चुका है, इसका सर्विसिंग हम नहीं करवाया एक्चुअली में, इसका सर्विसिंग कराना ज़रूरी है। ये वाला ब्रेक जब दबाते हैं तो कों कों करके आवाज़ आता है, सीटी जैसे ऐसे करके आवाज़ आता है। तो इसको जब चेंज करवा देंगे ना, या फिर नट वगैरह कस जाएगा इसके अंदर, मोबिल वगैरह लग जाएगा, तो शायद सही हो जाएगा। और सर्विसिंग एक ही बार करवाए हैं, दूसरा सर्विसिंग चल रहा है, पर जाएंगे नेक्स्ट मंथ 30 अप्रैल को, जब हम दिल्ली से वापस आएंगे तब करवा लेंगे गाड़ी का। देख रहे हैं कितना जोर जोर से हवा। रास्ते में जा रहे थे तो आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा कि जो मतलब काफ़ी सारे पैदल चल रहे थे, वो जन मजदूर थे, मतलब गेहूँ काटने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये जो पूरा खेत देखो एकदम पूरा सफ़ा हो रहा है, अभी थोड़ा बहुत गेहूँ लगा हुआ है। और ये सामने देखो आप लोग, इसको बोलते हैं थ्रेसर, जिसमें क्या होता है कि गेहूँ का भूसा अलग हो जाता है और अनाज अलग हो जाता है। हालांकि हम आपको ब्लॉग में दिखा चुके हैं। और अभी हमें जाना है होटल में चाट बनवाने के लिए, सुहानी बन के लिए वो गुड़िया को चाट खाना है। उधर से आते हुए भी आपको ना गेहूँ को मशीन काटने दिखाते हैं, जो गेहूँ काटता है मशीन से, उससे हमको रील्स ही बनाना है। कहाँ से हम लोग आते गाई, हम लोग का खेत होता ना बड़ा मज़ा आता ना पापा। जस्ट अभी हम साबुत कटोरी पहुँचे हैं, अभी बच्चों की हो चुकी है छुट्टी, पास में स्कूल है इस साइड में जहाँ से हम लोग आते हैं। और यहाँ चाट का ऑर्डर दे दिए हैं फुल प्लेट में, ये देखिए इसे मम्मी और सुहानी दोनों मिलकर खा लेंगे। समोसा तोड़ दिया अंदर की, मटेरियल वटेरियल मिलाते थे ना, मसाला वसल्ला प्याज देंगे। हाँ ऐसी नहीं फीका फीका दे दीजिएगा, क्या कि हम यहाँ पे आके खा चुके हैं, समझे ना, हम जानते हैं। ये आपका वीडियो बन रहा है यूट्यूब पे जाएगा। हाँ हम कोई फूड ब्लॉगर नहीं है, अपना पर्सनल लाइफ का बनाते हैं जी। छोटा राजपाल यादव, हाँ हाँ इंस्टाग्राम पे। अच्छा हाँ 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 पहले बहुत पहले, बड़ा बहुत दिन का बाद याद है आपका, कैसे पता चला आपको? मेरा भाई एक बंटी, हाँ
अच्छा अच्छा वही दिखाता था पहले अच्छा। हाँ तो हम तो इतना दिन से आपको भी बताया नहीं, आप हम बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे जी। और कुछ इस प्रकार से मसाला रखा जा रहा है। चलिए भैया से अच्छा लगा बात करके। एक पैकेट बहुत है पापा, मम्मी अपना दोनों खा लेगा, हम लोग तो खाते नहीं। झिल्ली हुआ ये चना बेसन का सेव। चलिए फाइनली चाट पैक हो गया, सुहाने खा के मस्त हो जाएगी। लीजिए इसको रखते हैं कैसे, ले लीजिए पापा पैसा। अच्छा ग्रहण ले लेते हैं। चलिए अब चलते हैं घर, तो साइड दीजिएगा। यहाँ पे रहा हमारा स्कूटी, अभी निकलते खेत के साइड में। आज मन कर रहा था कि सापुर पटोरी आगे घूमें, लेकिन क्या कर सकते हैं, घर पे बहुत सारा काम भी रहता है। भाई जब हम आ चुके खेत में, चार्ट को पैक करवा लिए थे और हम ये मशीन को काफ़ी देर से देख रहे थे, 2-3 दिन से। तो हम सोचे कि जाएंगे करीब में, जा करके वीडियो बनाएंगे। इसमें प्रोसेस क्या होता है कि इसके अंदर जो है ना रस्सी लगाया जाता है और ये कटते हुए गेहूँ को बांधता हुआ चला जाता है। देखिए पीछे पीछे वो बंधा हुआ है उस तरीके से। ये अगर इस साइड घुमा रहा था ना, थोड़ा सूरज का रोशनी आता है। हाँ अच्छा अच्छा ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। भैया लोगों ने बैठने दिया इस पर, एक हमने रील बनाया अभी और इनको थोड़ा सा तकलीफ हुआ। थैंक यू भैया। अब जाके एक रील शूट किया हमने यहाँ पे, बहुत मस्त वाला रील। हवा भी चल रहा था, एकदम बाल हिल रहा था, एकदम फिल्मी हीरो की तरह। ये देखिए दोस्तों मशीन अभी चालू हो चुका है और देखिएगा कैसे कटेगा। ये देखिए बातें भी करना आप लोगों से। तो मैं जैसे भी रास्ते में जा रहे थे तो पापा बोले वो देखे दूर पे जो है ना सारस पक्षी बैठा हुआ है और एक दोनों काफ़ी सारे हैं भाई साहब, बहुत बड़े बड़े हैं, एक एक टांग पे बैठा हुआ। मैंने उस पेड़ पे था फिर वहाँ पे गया है। वो देखिए एक लाइन से जितने सारे बैठे हुए सब के सब सारस पक्षी है। ये देखिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इस साइड में, हम लोग उस पेड़ के पास में थे वहाँ पर जो सामने बाइक जा रहा। और ये देखिए सारस पक्षी एक दोनों बहुत सारा है। ये देखो आप काफ़ी सारे, ये देखिए उड़ रहा है। ये वाह वाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए आ गया ना पापा, देख लिया कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं। ये देखिए सब बैठेगा, सब देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, देख सकते हो। इसे देख कर ना आरिफ और सारस भाई का याद आ गया जब हम गए थे उत्तर प्रदेश में। चलिए वहाँ भी चलिए दिखाते हैं। वो देखिए सब के सब बैठ गए वहाँ। पापा बोल रहे हैं कि यहाँ पे आज तक कभी भी ऐसा पक्षी नहीं देखा गया ना पापा। हाँ। यहाँ पे पहली बार देखा जा रहा है। नहीं, ना कभी नहीं दिखता, हम खुद आए तो नहीं दिखता था। ये झील वगैरह है ना यहाँ पे, इसी वजह से दिखता था। चलिए फिलहाल चलते हैं घर पे। तो भाई साहब अभी घर पे पहुँचे हैं और 5 रुपया और फूल चाट। थैंक यू, वेलकम। चलो जाओ मुखान धुल, रख दो ना वहीं पर रख दो। हुआ ये है अभी कि अभी सभी लोग हम वीडियो शूट कर रहे थे और अचानक से क्या हुआ कि इंस्टाग्राम का आईडी अपने आप लॉग आउट हो गया। तो फिर से अभी तैयार प्रयास कर रहे हैं डाउनलोड करके, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है, ये हैक हुआ है क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर फिर से हम प्रयास करेंगे। और देखिए ओपन कर लेते हैं इसको, देखते हैं लॉग इन करके क्या होता है, क्योंकि बहुत देर से हम लोग परेशान हैं। सुहाने के लिए चाट वाट लाए, हम लोग खा लिए और उसके बाद वीडियो वगैरह शूट किए बढ़िया बढ़िया। उसके बाद देखते हैं, ड्राफ्ट में तो बचा नहीं रहेगा वीडियो, क्योंकि सब तो हट जाएगा मेरे हिसाब से। वही है गाइस, मेरे आँखें देख सकते हो एकदम पूरा पूरा धंस गए, टेंशन हो गए। और उस टाइम से बिल्कुल भी हम लॉग नहीं शूट कर पाए थे और अभी आईडी जो है लॉग इन ही नहीं हो पा रहा था। बहुत परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और ये कैसे और कब हो गया ऐसे,
और जब ये वीडियो हम शूट कर रहे थे सुहानी के साथ में, तो जैसे ड्राफ्ट में डालने गए वीडियो, वैसे जीमेल का ऑप्शन आ गया, फिर अपने आप लॉग आउट हो गया, फिर उसके बाद फिर नंबर का ऑप्शन आ गया, मतलब बहुत प्रकार का, पता नहीं ऐसे कोई हैक करने का प्रयास कर रहा है, क्या चल रहा है हमारे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट रखना पड़ेगा इंस्टाग्राम को लेकर के, तो बहुत परेशानी होगा। अप्रोक्स 7.5 लाख फॉलोवर होने वाले हैं वहाँ पे, मुझे डर सा लगता है। तो अभी फ़ोन को चार्ज में लगा दिए हैं और जैसे तैसे करके अभी लॉगिन किए हम, लॉगिन हमको करना नहीं आता है क्योंकि मुझे खुद के इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड पता नहीं है। हम गए थे मनोज भैया के पास में, वहीं पर जाकर उनसे लॉगिन करवाए थे, उस टाइम से फिर बीच में एक बार हो गया था, दो बार हुआ था। तो फिर महात्मा जी टेक्निकल भैया से हम पूछे, अमरेश भारती से, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कीजिए, फिर मैं भूल गया था क्योंकि वीडियो बनाते रहते, टेक्निकल का उतना ज्ञान नहीं हमें। तो फिर अभी जैसे तैसे करके मतलब लॉगिन कर दिए, हो गया। पासपोर्ट नहीं पता था, पता नहीं ओटीपी वगैरह आया नंबर वंबर के ऊपर, वही सब ओटीपी डाल करके लॉगिन हो गया है। लेकिन इसके लिए सिक्योरिटी तगड़ा रखना होगा, नहीं तो बाद में हमें परेशानी होगी। और मैं जल्द ही सोच रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के। तो चलिए फिर से, और हाँ साथ ही साथ कम से कम 50-60 वीडियो था हमारे ड्राफ्ट में, क्योंकि रोज़ मतलब समझिए ना 20 वीडियो हम शूट कर लेते हैं, कहीं पे जाते हैं, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते हुए, ताकि हमारा वीडियो चल जाए तो कुछ ना कुछ हो जाए। तो वो सब सारी वीडियो जो है सब डिलीट हो गए, सबका सब ड्राफ्ट में से डिलीट हो गया। तो पर कुछ कर नहीं सकते, फिर से भी मेहनत करेंगे। दो वीडियो अभी शूट कर लिया हमने, ये मेरा आईडी है, और देखिए इसमें ड्राफ्ट में गए सिर्फ दो ही वीडियो बचा हुआ, बाकी सब डिलीट हो गया, सबका सब डिलीट हो गया, सब हचट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ऊपर वाला जैसा खेल रचेंगे तो वैसा ही होगा। मेहनत सब छीन लिए हमारा, कि जो हैकर भैया वो छीन लिए हमारा सारा मेहनत, अभी दो वीडियो ही बना है। तो दोस्तों अभी फिर से रेडी हुए हैं, कान का वाली वगैरह पहन लिए, मॉर्निंग में पहन के भी सेम वीडियो बनाए थे तो वो चला गया। पापा भी पुलिस वाला वर्दी पहने थे तो वो देखिए टोपी रख रहे हैं, सारा कपड़ा पर रख रहे हैं, और मम्मी भी अभी सभी लोग देखे वहाँ पर लाइट भी जल रहा था तो मम्मी भी थी। फिर से रील्स बनाए हैं, फिर पोस्ट किए हैं, अभी हार नहीं मानना किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए, बस आप लोग का सपोर्ट रहेगा, आप लोग का प्यार रहेगा तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे कोई आईडी हैक करने का भी कोशिश करेगा, बस भैया बच जाए वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेहनत मैं करता रहूँगा, और दूसरी बात चला भी जाएगा ना तो फिर मैं ओपन करके फिर मैं मेहनत कर लूंगा, जब तक जीवन रहेगा तब तक देखते रहेंगे, आजमाते रहेंगे, जिंदगी एक जुआ है क्या पापा, उसको खेलते रहना है और उसमें हार नहीं मानना, पीछे हट जाएंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। मुझे पता है कि ये सब चीज़ें कौन कर रहा है, कौन लोग हैं लगे हुए, बट कोई बात नहीं, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं, जब उनके हाथ में मेरा सिक्योरिटी पासवर्ड जाएगा तभी तो कुछ ऐसा होगा। मम्मी काहे रो रही है, कुछ नहीं होगा, चुप हो जाओ, काले रो रही है, बुरे वाला रो। अच्छा जब माँ बाप की याद आता है ना। अच्छा कोई बात नहीं, अब वो दुनिया में है नहीं तो क्या करोगे, चुप चुप। आज ही के दिन है, कौन दिन है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चलो चलो खाना बनाओ, तो उठ 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 जाओ, उठ जाओ ना, अब जो हो गया सो उसको जाने दो, ठीक है, अब जिंदगी जैसे सब लोग जी रहे हैं तो जीने दो, कोई बात नहीं। काहे रो रही है, चुप ना, अब इसके बारे में क्या बात करें, एक वीडियो तो हम बना चुके हैं, सभी लोगों को देख चुके हैं, और बहुत दिन पहले गाइस घटना हुआ था तो वही मम्मी को कभी कभी याद, आज हम भी दिन में उनको याद किए हैं, और वो कौन है अभी बोल नहीं सकते हैं, शायद दीदी को बुरा लग जाएगा तो इसीलिए थोड़ा मतलब हो जाता है अपना संता ना, कि वो ऐसे इंसान थे कि मम्मी कितना भी डांटती थी, मम्मी उनको लाठी से मारी थी गुस्सा में, पर एक बार भी वो नहीं बोले थे मम्मी को कि आपने मुझे क्यों मारा क्या नहीं, बट वो अभी इस दुनिया में नहीं है। चलो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जो चला गया उसके बारे में रो करके कोई फ़ायदा नहीं मम्मी, ठीक है, अभी हम हैं ना, हम लोग हैं, हाँ मैं सुहानी है, पापा है, हंसाओ मम्मी को, आई होप दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए इतने, चैनल पर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दी, बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कर दिया, अदर स्टेट से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट किए, बगल में इंस्टाग्राम में जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। हुआ ये था कि शाम के टाइम में हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे, अचानक से हमारा जो आईडी लॉग आउट हो गया था, लॉगिन हो ही नहीं रहा था किसी भी प्रकार से, हालांकि आईडी पासवर्ड सब कुछ हमने डाला, भैया को हमने कॉल भी किया, सब कुछ पूछ करके फिर भी कुछ भी नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल समझिए कि हमारे हाथ में था ही नहीं हमारा आईडी। फिर एक घंटा के बाद जैसे तैसे करके 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, कोड वगैरह जाता है, और जो मतलब एक भैया ने कोड भी दिया था
उसमें 3-4 प्रकार का नंबर लिखा रहता है, तब उससे जाके लॉगिन हुआ। फिर थोड़ी बहुत परेशानियां हो जाती है, क्योंकि अप्रोक्स 7 लाख फॉलोअर 1 मिलियन होने वाला है वहां पे, तो दिल पे चोट लगता है कि भाई ऐसा क्यों करते, कोई भी हो तो किस लिए कर रहे हो यार, बहुत मेहनत करते हैं पूरा परिवार मिल करके। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, अपना कीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।